हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। इज अंकिता एंड यू वाचिंग स्कूट विद अंकु। तो ये हमें एक दोस्त मिल गया है यहाँ पे, तो यहाँ की रखवाली करता है। सो अरे एक मिनट बेटा, तो आज हम प्रॉपरली ऊटी घूमने वाले हैं। तो आपकी जी कॉस्टिंग है, कल हम लोग को 800 रुपीज़ पे करना पड़ा था 2-3 पॉइंट का, और आज ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 11-12 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले, तो उसका हम लोग ने 3,500 रुपया पे किया है। सो ये ऐसा रहेगा ये जो ट्रिप है। यहाँ पे आपको बार्गेनिंग थोड़ा करना पड़ता है, हमने ज़्यादा किया नहीं बार्गेनिंग, बिकॉज इतना तो बजट हम लोग लेके आए थे और इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग और भी टैक्सी ढूंढे एंड और भी। और यहाँ पे बहुत सारे यू नो खाने पीने के भी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हमने सोचा कि जो है वो लेके चल जाते, उतना तो बजट लेके आए थे हम लोग। तो अभी घूमेंगे और आपको यहाँ के अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह दिखाएंगे। ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बार बार आने मिलता नहीं है, तो जितना मिलता है उतना घूम लो। ये बज रहे हैं 8:15 एंड हमारी टैक्सी 8:30 बजे आ जाएगी, तब तक बाकी के लोग भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ का आपको मैं अभी पहले नज़ारा दिखाती हूँ, और हमारा ये जो होटल है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा होटल, और बहुत ही प्यारा होटल है। मतलब अगर आपको एकदम ओल्ड एज ऊटी जैसा फील आना चाहिए तो ये मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी, और एकदम ही कम बजट में अगर आप ट्रैवल करो तो बहुत ही मस्त जगह है ये। ये हम लोग को रूम पड़ा था कुछ 2 दिन का, 5,500 रुपया हमें पड़ा है इसका। और ये यहाँ का आजू बाजू का लोकेशन है सीरीज, और आपके विंडोज से ये सारे व्यूज़ आपको देखने मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको अंदर का भी दिखा देती हूँ होटल। सो ये रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ पे भी आपको बैठने के लिए सोफा एंड हॉल है, वहाँ है डाइनिंग टेबल, एंड यहाँ से ऊपर जाना है। गुड मॉर्निंग। तो ये यहाँ पे हमने रात को बैठ के खाना खाया। ये मेरी बहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये 2 रूम हमने बुक किया था, तो यहाँ का ये ऐसा है, और ऊपर देखिए ऐसे छत है यहाँ पे, मतलब जूना ज़माने का जो स्टाइल होता है वैसा है। बहुत ही मज़ा आया रात को स्टे, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे इतना अभी मार्च का महीना चल रहा है, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड है। आई थिंक यहाँ पे 12 महीना पूरा ठंड रहती है, तो जब भी यहाँ पे आओगे तो घर कपड़े लेके आना। हमारी गाड़ी आ गई है, लेट्स गो नाउ। अभी सुबह के बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 8:47। लेट्स गो नाउ। सो आज का हमारा सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारे डोडाबेटा पीक। ये पीछे हमारे देख रहे गेट है, यहाँ से हमें जाना है डोडाबेटा पीक। और यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता मिला है हमें, बॉस एक नंबर, मतलब इतना खूबसूरत है, जो हमने मतलब फिल्मों में देखा था वो आज हम खुद महसूस कर रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज जो 90s के जो जितने मूवीज थे उसमें मोस्टली ऊटी में बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई थी, तो सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने। सो ये देखिए गेट है, और यहाँ पे कुछ मार्केट भी लगे हुए हैं, जैसे कि कुछ ठंडियों के कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें होंगी। सो यहाँ हम ले रहे चाय ब्रेक, बिकॉज किसी ने भी कुछ खाया नहीं इसलिए, और पॉइंट भी अच्छा है चाय लेने के लिए, मतलब इतना ऊपर आके ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो एवरीबडी इज हैविंग टी एंड कॉफी। ए तुमचा एक्सपीरियंस बोला जरा, सद्दा कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय पप्पा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम कसं वाटतंय, एकदम फिल्मी वाटतंय ना? हो मतलब जो फिल्म में देखते थे आज वो रियल में हम देख रहे हैं। हमारी बहनों को पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है, तुला कसं वाटतंय तुझ्या मनात? खूप ब्युटीफुल है ना, म्हणजे वन टाइम नाही, म्हणजे 10 वेळा आलो तरी कमी आहे।
फिल्म। चलो अभी तो फर्स्ट पीक है, अभी हम देखे भी नहीं है, अभी जा रहे देखने। बट रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गार्डन क्लीन। हाँ, सबसे मेन पॉइंट डिसिप्लिन है। वहाँ से जस्ट चल के आना है और यहाँ से आपको पूरा ऊटी दिखाई देता है। ये देखिए, वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। और ये पीछे आपको दिख रहा है ना, ये टेलीस्कोप हाउस है। यहाँ से आपको मतलब टेलीस्कोप लगा हुआ है, वहाँ से भी आपको कोई कोई पॉइंट दिखाई देते। तो हम अभी ऊपर जाके भी देखेंगे। अभी हम आए हैं टी फैक्ट्री में और यहाँ से अभी जाएंगे अंदर और देखेंगे टी कैसा बनता है, टी के पत्ते तोड़ने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हमें दिखाने वाले। सो अंदर चॉकलेट फैक्ट्री भी है, तो दोनों चीज हमें देखने मिलेंगी यहाँ। लेट्स गो। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे चॉकलेट्स के बीन्स है और ये सारे मशीनरीज लगे हैं इसको पिघलाने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है वो यही तो होता है। और ये देखो यहाँ पे पूरा टीवी में दिखा है। अभी चॉकलेट फैक्ट्री ट्रैवल होने के बाद इन द लास्ट यू गेट दिस चॉकलेट, दिस इज अ डार्क चॉकलेट एंड दिस इज मिल्क चॉकलेट। सो वी आर गिविंग फॉर टेस्टिंग एंड ऑल। दिस इज ओनली फॉर द लाइक मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर ये हमें टैग। वी आर 8 मेंबर्स, दिस कैन दिस टैग एंड ऑल, वी आर 8 मेंबर्स, सो दे गिव अस 8 दिस चॉकलेट्स, राइट। टेस्ट करो, टेस्टिंग कर रहे हैं। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट बहुत ही कड़वा रहता है, ऐसा पहले हमने खाया इसमें। मतलब मिल्क वाला दे कड़ू ना एवढा। अभी हम आए टी फैक्ट्री में, ये देखिए यहाँ पे पूरा फैक्ट्री है। थ्री है एक का, हाँ थोड़ा जाड़ है, बारीक आणि एकदम पावडर, ओके तिथे होतं आहे काय पावडर घसल घसल ते येते बघ। सो गाइस, ये देखो आपको सामने मशीन दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरा वो पीस पीस के ये देखो पाउडर बन के पूरा नीचे आ रहा है। और यहाँ पे अंदर फर्मेंट हो रहा है क्या इसके अंदर, ये जो बड़ा मशीन है? फर्मेंटेशन नहीं है, फर्मेंटेशन के लिए सिर्फ नॉर्मल कोट रहता है। इससे है ना, ये ग्राइंड होने के बाद इधर जाएगा, फिर ये तीन में डिवाइड होता है, लाइक थोड़ा ग्रीनी, थोड़ा सॉफ्ट और एकदम पाउडरी टाइप। सो सी, और वो जो मैंने हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में बताया कि वो तीन मतलब जो और ये हो रहा है वो वहाँ पर है, सीविंग हो रहा है ना वो वहाँ पे मशीन। ओके, तो अंदर जाना वैसे अलाउड नहीं, इसलिए हम लोग आपको बाहर से दिखा रहे हैं, ये सब प्रोसीजर है। तो ऊपर से पूरा पीसने के बाद यहाँ पे आते हैं फाइनल टच के लिए, यहाँ से पूरा डिवाइड होगा एंड देन पैकेजिंग होगी। और फिर यहाँ पे टी टेस्टिंग को भी दे रहे वो लोग कि ये जो पिसा हुआ टी अभी कैसा लगेगा, वो अभी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। लेट्स सी। हाँ कौन है? गाड़ी मत, गाड़ी मत, ये जिंजर है। This one is which one? Ginger. No, ginger. White tea. Baga the taste. Ginger dago? Ginger hai. White tea baga. White tea. White tea madhe ka asa? What is there in white tea? First step, baby leaf. Baby leaf. Ginger tea. So, white tea dago. Okay. A green tea hai. This is a green tea and this is a white tea. White tea. The difference is white tea, there are small leaves. Okay, so it's become more soft. White tea is very strong. Hai white tea. Strong hai. Again. Aap kaun hai? तो अभी टी फैक्ट्री से निकलने के बाद कुछ ही आधा किलोमीटर पे ही आपको टी गार्डन दिखाई देगा। ये देखिए मेरे पीछे है, ये आपको ऑन द वे रास्ते से जाते जाते भी दिखता है और फोटो खींचने के लिए आपको यहाँ से एंट्री है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह और सब
मतलब मोस्टली ऊटी हम इसी के लिए आते हैं, राइट। मेरे बहन ने ये पूरा आउटफिट भी उसी के लिए खरीदा था। सो अभी यहाँ पे फोटो सेशन होगा अच्छा खासा, लेट्स गो। चलिए ऊपर चलते हैं। वाह यार बहुत ही खूबसूरत जगह है ये टी गार्डन। गाइज क्या मजा आ रहा है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत जगह ना मैंने लाइफ में कभी देखी नहीं थी। और मतलब इसको इतना मैंने फिल्मों में देखा था, लोगों के वीडियोस में देखा था, फोटोज में देखा था, आज खुद महसूस करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पापा मम्मी सारे लोग एंजॉय करे, फोटो ले रहे, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स आ रही है यहाँ पे। ये देखो फोटोग्राफर यहाँ है हमारी, पूरे व्हाइट एंजल फ्रॉक में। मॉम यहाँ पे वेट करी, वहां पे और दो लोग खड़े लाइन लगा के फोटो के लिए। नाइस गाइस, फोटो शूट चल रहा है सबका। यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जो टी जो प्लग करते हैं उनका, तो वही ट्रेडिशनल ड्रेस पकड़ पहन के सब फोटो ले रहे हैं।